सो दोस्त आज मेरे पास दो खबर है जिसमें एक अच्छी और एक बुरी जिसको सुनने के बाद कुछ टाइम के लिए आपको दुख होगा पर उस दूसरे पल ही आपको खुशियां भी मिलेंगी जिसमें सबसे पहले खबर आ रही है हेरा फेरी को लेकर जिसको कंफर्म कराया परेश रावल जी ने अपने ट्विटर हैंडल पे जिसमें बताया जा रहा है अक्षय कुमार उ राजू नहीं होने वाला हेरा फेरी थी है जिसके बाद मानो की हेरा फेरी लवर्स का दिल ही टूट गया हो सारे सोशल मीडिया पे गमों का भूकंप आ गया हो पर कोई भी इस रिपोर्ट को मानने के लिए रेडी नहीं हो रहा था पर उसके अगले दिन ही अक्षय कुमार जी ने कंफर्म कर दिया कि यह बात सही है जिसके बाद मानो कि लोगों की दुनिया ही हिल गई हो खुद अक्षय कुमार जी ये बात बताते हुए भावुक हो गए और उन्होंने अपने फैंस का शुक्रिया भी किया और सॉरी भी बोला और उन्होंने बताया कि उनको इस मूवी की स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी वो ढूंढ रहे बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट जिसके बाद उन्होंने स्क्रिप्ट की वजह से इस मूवी को बना कर दिया पर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अंदर की बात कुछ और ही है पर रिपोर्ट्स की माने तो उनके और मेकर्स के बीच कुछ सही नहीं चल रहा पर ये रिपोर्ट कितनी सच्ची है कंफर्म नहीं हो पा रहा अब आगे बात करें कि रिपोर्ट्स क्या क्या आ रही है तो सबसे पहले आ रही है अक्षय कुमार की तरफ से जिसमें बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार का ये साल बहुत ही बुरा गया जिसमें पांच पांच मूवीज उनकी फ्लॉप रही है वो मूवीज एवरेज को भी नहीं छू पाई है पांचों की पांच फ्लॉप रही है जिसमें सबसे पहले बच्चन पांडे थी जिसकी सच में स्क्रिप्ट बहुत ही बहुत ही ज्यादा बेकार थी जिसको अक्षय कुमार ने करके बहुत लोगों का दिल तोड़ा था फिर उसके बाद पृथ्वीराज चौहान जिसके मेकर्स ने सारा का सारा और फ्लॉप होने का अक्षय कुमार पे लगा दिया था जिसकी वजह बता रहे हम इस मूवी को सिर्फ 40 से 45 दिन में खत्म करने का प्रेशर उन पे जिसके फ्लॉप होने के बाद मेकर्स खुश नहीं थे उनसे फिर उसके बाद रक्षाबंधन जो बहुत ही बेहतरीन मूवी थी पर वो भी कुछ खास नहीं कर पाई बॉक्स ऑफिस पे चौथे नंबर पर थी मूवी कतपुल्ली जो की बहुत ही बेहतरीन मूवी का रीमेक था जो की डायरेक्ट रिलीज हुई थी ओटीटी पे पर वो भी मूवी कुछ खास नहीं कर पाई व्यूअर्स के लेके जिसकी वजह मुझे नहीं लग रहा है कि अक्षय कुमार थे फिर आखिरी में आता राम सेतु जो कि हाल ही फिलहाल में रिलीज हुई थी पिछले महीने जिसकी स्टोरी एंड स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी पर मुझे लगता है वो कहीं कही ना कहीं मेकर्स मेकर उस मूवी में अक्षय कुमार ने बहुत ही बेहतरीन काम करा था पर अब कुछ ऐसा साल रहने के बाद अक्षय कुमार के नजरिए से देखा तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा है फिर अगर ऑडियंस की तरफ से देखा तो हेरा फेरी फेर फेर थ्री हो सकती है उनके बैक की वजह अगर वो इस साल को देख के इस मूवी को छोड़ रहे तो बहुत ही गलत बात है इस साल किसी की भी मूवी नहीं चली है थिएटर्स में चाहे वो कोई बड़ा स्टार हो या किसी की बड़ी मूवी हो कोई भी मूवी कुछ खास नहीं कर पाई है एक दो को छोड़ के बॉक्स ऑफिस में फिर दूसरे रिपोर्ट की मानी जो कि अक्षय कुमार की तरफ से आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार के पास इस साल पहले ही से ही बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको वो खोना नहीं चाहते जिसकी वजह से वो टाइम नहीं निकल पाएंगे हेरा फेरी थ्री के लिए पर इस बात पर यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि अक्षय कुमार एक साल में पांच पांच मूवी निपटा देते हैं तो वही अगली रिपोर्ट आ रही है मेकर्स की तरफ से जिसमें बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार से वो लोग मांग रहे हैं अच्छा खासा टाइम जिसमें बताया जा रहा है कि मेकर्स मांग रहे हैं उनसे कम से कम एक साल का टाइम जिसमें करनी है उनको सिर्फ एक मूवी हेरा फेरी थ्री क्योंकि अक्षय कुमार की तरफ से बिल्कुल ही नामुमकिन है उनमें एक साल में पांच पांच मूवी करने की पोटेंशियल है जिसकी वजह से वो सिर्फ एक मूवी को एक साल नहीं दे पाएंगे वो भी एक ऐसी मूवी जो कि सिर्फ कॉमेडी फेस है जिसको अक्षय कुमार ने पहले से बहुत ही अच्छे से कर रखा है फिर वही अगली रिपोर्ट आ रही है जो कि मेकर्स की तरफ से जिसमें बताया जा रहा है कि मेकर ने उनका ये साल देखते हुए उनको इस मूवी से निकाल दिया है क्योंकि ये साल अक्षय कुमार के लिए बहुत ही अच्छा नहीं रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि मेकर्स ने इस साल हुए अक्षय कुमार की पांच पांच मूवीज की वजह से उनको इस मूवी से निकाल दिया है जो कि बहुत ही गलत है मेकर्स की तरफ से ये साल सिर्फ अक्षय कुमार का नहीं सबका ही बुरा रहा है बॉलीवुड में तो उनको देखना पड़ेगा क्या वो सही कर रहे हैं या नहीं एंड रिपोर्ट जो कि मेकर्स की तरफ से आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि इस मूवी के स्क्रिप्ट में अक्षय कुमार चाह रहे हैं बहुत बड़े बड़े बदलाव पर इस मूवी के मेकर्स इसके खिलाफ हैं जिसकी वजह से उन्होंने इस मूवी से अक्षय कुमार को निकाल दिया है अब अगर आते हैं इसके सोल्यूशन पे तो अगर अक्षय कुमार छोड़ रहे हैं इस मूवी को सिर्फ स्क्रिप्ट को लेकर तो ये बहुत ही गलत बात है क्योंकि हेरा फेरी फ्रेंचाइजी किसी स्क्रिप्ट या स्टोरी की वजह से नहीं जानी जाती ये जानी जाती है उनके कॉमिक टाइमिंग और उनके एक्टिंग की वजह से वो इससे भी बड़ी फ्रेंचाइजी के बारे है जो कि सिर्फ कॉमिक टाइम और इनकी कॉमेडी की वजह से चल रही है तो इनको देखना पड़ेगा कि ये फ्रेंचाइजी चल रही है सिर्फ इन्हीं तीनों वजह से जिसमें इन तीनों का होना उतना जरूरी है जितना इंडिया पाकिस्तान के मैच में विराट कोहली का। फिर आते मेकर्स की तरफ अक्षय कुमार को एक साल देना एक के लिए बहुत ही नामुमकिन है और तो एक अच्छा डायरेक्टर जो की पत्थर को भी हीरा बना दे और ऐसी अक्षय कुमार को छोड़ो नहीं दे सकता तो इनको समझना पड़ेगा इस फ्रेंचाइजी के लिए और मुझे नहीं लग रहा कि कोई अक्षय कुमार को इस रोल में टक्कर भी दे सकता है पर अगर ये कुछ पर्सनल है तो बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है अब अक्षय कुमार इस मूवी के मेकर्स को कुछ शॉर्ट आउट करना चाहिए और हमें खबर देनी चाहिए कि अक्षय कुमार वापस आ रहे हैं थ्री में अब बात करें दूसरी रिपोर्ट की जो कि बहुत ही अच्छी खबर वो है डॉक्टर राजामौली सर की मूवी ट्रिपल आर के रिलेटेड जो कि अब इंटरनेशनल बहुत ही अच्छे कर रही है जिसकी वजह से शिकागो में चले इंटरव्यू के दौरान एस एस राजामौली जी ने बताया कि इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आ रहा है जिसका काम शुरू कर दिया गया है उनके फादर की तरफ से जो के बी विजेंद्र प्रसाद जी जिन्होंने इस मूवी को लिखा था अब वो ट्रिपल आर टू को लिखने में बिजी हैं। उन्होंने भावली की दोनों फ्रेंचाइजी और बहुत सारी मूवीज भी लिखी है और ट्रिपल आर भी उन्होंने लिखी थी जो कि ऑस्कर तक चली गई है तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि ट्रिपल आर की तो स्टोरी इन्होंने खत्म कर दी थी तो ये क्या होने वाला है प्री इक्वल होने वाला है सिक्वल होने वाला है उसका कुछ कंफर्म नहीं हुआ है अभी कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये होने वाली एक न्यू स्टोरी जिसमें हमें महेश बाबू को देखने को मिल सकता है पर अब स्टोरी और कास्ट कुछ कंफर्म नहीं है बस ये कंफर्म है कि ये उस मूवी का दूसरा पार्ट आ रहा है तो दोस्तों आपको क्या लगता है हम अक्षय कुमार को देखेंगे कि नहीं देखेंगे हेरपेरी थ्री में और आप लोग कितने एक्साइटेड हैं टिप्पर आर टू को लेके मुझे कमेंट सेक्शन में, में जरूर बताएं और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आज के लिए इतने मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार